एक करेक्शन चाहूंगी कि भोजपुरी इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि बॉलीवुड में भी यही चीज है। बॉलीवुड में भी अगर हीरो का रेट ये है तो हीरोइन का रेट ये है, ये हर जगह है। दुख की जहाँ आपने बात करी तो बिल्कुल बहुत दुख होता है, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे हमारा कंट्रोल होता है, हम कर सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं हो पाता है। प्रोड्यूसर का साफ साफ कहना होता है या डिस्ट्रीब्यूटर लोगों का या लोगों का जनरली कहना है, अरे फिल्म हीरोइन के नाम पर तो नहीं चलती है, फिल्म तो हीरो के नाम पर बिकती है। मैं मानती हूँ सच्चाई होगी वो काफ़ी, देखिए हीरोज भी अपनी बहुत मेहनत करते हैं ऐसी बात नहीं, लेकिन सिर्फ हीरो को अगर आप फिल्म में लगा रख दीजिए और हीरोइन को रखिए ही मत, कितनी चल जाएगी उनकी फिल्म, लोग हीरोइन को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जो आपने बात बोली तो बहुत दुख होता है कई बार, जैसे मैंने बताया कि कुछ चीज़ों पे हमारा कंट्रोल नहीं हो पाता, बोलते हैं कई फिल्म छोड़ देते हैं, गुस्सा आ जाता है, लेकिन अल्टीमेटली कई बार हाँ घर पे बैठते हैं तो बहुत रोना भी आता है, अचानक से आंखों में आंसू भी आ जाते हैं कि क्यों ऐसा, फिर लगता है कुछ इसका सॉल्यूशन ही नहीं है, तो ठीक है वापस से आ जाते हैं, फिर हंसते हुए आ जाते हैं चेहरा लेकर कि चलो नेक्स्ट मूवी करेंगे। जो आर्टिस्ट समाज के लिए लड़